हेलो एवरीवन, दिस इज मी सातिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई सवाल है और जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। चाहे वर्क रिलेटेड है, लव लाइफ रिलेटेड है, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड है, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो जिसके लिए आपको आंसर हाँ ना या मे बी में चाहिए या वेट में चाहिए। सो उसके लिए चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करूँगी। सो मैं आपको टाइम दूंगी दो या तीन सवाल सोचने का और एक एक करके हम उसके ऊपर चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मास्टर जस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि जो भी आपके जहन में एक सवाल है उस सवाल का जवाब क्या है। आई एम गोना गिव यू 5 seconds टू थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। सो आपका टाइम शुरू होता है नाउ। लेट्स सी क्या है आंसर। सक्सेस। द आंसर इज अ येस। आपका जो भी सवाल था उसमें द आंसर इज अ येस। लेकिन अगर आपका कोई सवाल ऐसा था कि जैसे क्या पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है या नहीं, तो उसके लिए द आंसर इज नॉट येस, उसके लिए द आंसर इज नो, क्योंकि आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। सो समहाउ जो आपका सवाल है, जो आपके फेवर में है जवाब, वो इज अ येस। जो आपके फेवर में नहीं है सवाल, उसमें यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। सो इसलिए उसमें आपका आंसर नो होगा क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा इस सिचुएशन में। लेट्स सी वन ओरेकल कार्ड अराउंड इट। Dawn of love. Love is rising on the horizon of your life. So love, happiness, abundance is rising आपकी life में. So कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है उसका answer आपके favor में है. So आपको success मिलने वाला है जो भी आपका सवाल है, चाहे job मिलेगी या नहीं, आपकी admission होगा या नहीं, आपका आपकी love life में specific चीज़ होगी या नहीं, तो answer is a yes. आपको success मिलने वाला है उस सवाल से related, जो भी you know सवाल था आपका, उसमें आपको definitely happiness और success मिलने वाला है. Let's see एक और सवाल. Let's pull out card for that. Unlikely. जो भी आपका सवाल था it's unlikely to happen. अगर आपका सवाल था कि ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी, the answer is unlikely. You know, हो सकता है कि आपका सवाल कुछ ऐसा हो जो कि आप कंफर्मेशन के लिए कोई चीज़ पूछ रहे हो, जहाँ पर यू नो आप सर्कमस्टांसेस दे रहे हो कि क्या ये ऐसे होगा या वैसे होगा। सो इट्स अनलाइकली टू हैपन द वे प्रॉब्ली जो आपके जहन में है, बट जो आप चाह रहे हो वो होगा। बट अगर आपका कोई और सवाल था, पहले सवाल से कनेक्टेड नहीं था, तो इट इज़ अनलाइकली टू हैपन। लेट्स सी और एक गाइडेंस अराउंड इट। Drunk with love, let love lift you to freedom. आप में से वो लोग जो right now जानना चाह रहे हैं कि क्या पर्सन से कम्युनिकेशन होगी आने वाले टाइम में, या फिर कुछ ऐसा यू नो सिनेरियो है जो कि आप चाह रहे हो, पहले सवाल में आपको लगा कि हाँ आपके फेवर में है जवाब, लेकिन जो आप चाह रहे हो गिवन इन अ सर्टन टाइम फ्रेम और समथिंग, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अनलाइकली टू हैपन। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू जैसे होता है ना कि आप अपना पैशन या अपनी एक्साइटमेंट या अपना फेथ नहीं लूज़ करो। सो उस तरह का सिनेरियो है कुछ कि इवन दो चीज़ें लगेगा कि अनलाइकली टू हैपन, बट दे कैन स्टिल बी वर्कड आउट। सो आपके अपने डेडिकेशन, आपके अपने बिहेवियर, आपके अपने वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स पे बहुत मैटर करेगा आपका फ्यूचर अराउंड इट। सो कोशिश करो कि आप इस जो पैशन है, जो आग है आपके अंदर टूवर्ड्स दिस पर्सन, दिस जॉब या दिस यू नो व्हाटएवर इट इज़ दैट यू वांट, ट्रैवल करना चाहते हो, वीज़ा लेना चाहते हो, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज़ जो भी आपके माइंड में है,
अगर आप उसके ऊपर पैशनेट होकर काम करो तो यू विल गेट द सक्सेस. सो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट उस सिनेरियो में मिल सकती है, इवन दो इट इज़ अनलाइकली टू हैपन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करते हो. लेकिन अगर आप काम करते हो, एफर्ट करते हो, तो चीज़ें कैन स्टिल बी वर्कड आउट. सो ये चीज़ आप अपने जहन में क्लियर कर लो कि कोई भी चीज़ जो है वो नो या येस देर यू नो देन नहीं होती है. यू हैव टू ईदर मेक थिंग्स हैपन या फिर कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं. सो आपकी सिनेरियो में इस कनेक्शन में अगर हम ये इस यू नो इन रिलेशन टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, उसमें आपके लिए चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं हैं, बट यू कैन मेक थिंग्स हैपन. अगर आप अपना पैशन अलाइव रखो, आप अगर अपनी कोशिश अलाइव रखो, तो यू कैन मेक इट हैपन. सो लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड आपके लास्ट सवाल के लिए. लेट्स सी कि आपका लास्ट सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है. 5 seconds यू हैव टू थिंक ऑफ योर क्वेश्चन. डोंट थिंक ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो जो भी आप कर रहे हो. अपने माइंड में कन्फ्यूजन नहीं लेके आनी है आपने. वन क्वेश्चन एट अ टाइम. लेट्स सी जो भी सवाल है आपका. लिसन टू योर इंट्यूशन अराउंड इट. जो भी आपका सवाल है, इस सवाल से कनेक्टेड आपके माइंड में यू नो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है ऑलरेडी. अगर आप इंट्यूशन को सुनो, अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी पता हैं इस सिनेरियो को लेकर. लेकिन somehow आप उससे भागना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि इसको फॉलो करना शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा. सो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने से रोक रहा है इस सिनेरियो को लेकर. सो वट एवर इट इज़, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सवाल से रिलेटेड. ओके, सो हमारे पास है एंडिंग अ ट्रामा, ट्रांसफॉर्म मेमोरीज एंड सिम्टम्स. आई फील लाइक कि जो भी आपका सिनेरियो है, जो भी आपका सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें आपको यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक अ डिसीजन जिससे आपकी लाइफ में सफरिंग और जो यू नो आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन हैं वो ख़त्म हो सकती हैं. लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो. आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिसीजन आपको आपके अगेंस्ट ले जाएगा. सो समहाउ बिलीविंग इन द डिवाइन टाइमिंग एंड सरेंडरिंग, जो आपको इंट्यूशन आ रही है, उस इंट्यूशन को लेते हुए, एक इंस्पायर एक्शन लेते हुए, मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिल सकता है. लेकिन आप उस ट्रामा में रह रहे हो, आप उस सफरिंग में रहना चाह रहे हो फॉर नाउ, जो कि आपके लिए गलत है. सो इसलिए अगर आप ये नहीं करते हो और आप सरेंडर नहीं करते हो, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द सरेंडर. उसके बाद है कि यू नो यू जस्ट हैव टू, जब आप यू नो अगर आप स्पेशली अगर आप किसी लवलेस सिनेरियो की बात कर रहे हो, और अगर आप यू नो जानना चाहते हो कि यू नो व्हाट कैन ब्रिंग यू द सक्सेस इन दैट, तो मुझे लगता है कि सरेंडर करना आपके लिए बेहतर है. यू नो आपको जो चीज़ चाहिए, जस्ट नो अबाउट इट एंड देन आपने चीज़ों को होने देना है. आपने उस चीज़ को स्ट्रेस लेकर नहीं चलना है. जितना ज़्यादा इजी होकर चलोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नो अगर हम बात करें, अगर आपका सवाल पहले सवाल से कनेक्टेड, सेकंड सवाल से कनेक्टेड, जहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया था एंड यू हैव टू पुट एफर्ट, तो आपने एफर्ट ये पुट करना है कि आपने पहली चीज़ ये कि स्ट्रेस नहीं लेना है. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपका पहला रूल तो ये होता है कि आपने उस पर बिलीफ रखना है. जब आप बिलीफ रख रहे हो कि ये होगा, तो आप उसको लेकर स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे. आप सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शंस लेते जाओगे, जो जो आपको फील होगा इंट्यूटिवली कि आपको ये लेना पड़े, ये कनेक्शन में ये स्टेप लेना पड़ेगा, तो आपको वो लेना है. अगर आप नहीं लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंट हो रहे हो टूवर्ड्स डिवाइन्स प्लान. तो कहीं ना कहीं वो शायद आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक थोड़ा यू नो आप स्ट्रगल कर रहे हो. आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें स्मूथली वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो. सो अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन यू विल बी सीइंग योरसेल्फ कि चीज़ें कैसे आपके हक में ही जा रही हैं, आपके फेवर में ही जा रही हैं. सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने डेडिकेशन को स्ट्रांग रखते हो, इन अपनी अपनी कमिटमेंट को विद योर सेल्फ स्ट्रांग रखते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एंड देन फिर आप वेवर नहीं करते अपने फेथ में, तो वो आपको चीज़ मिल जाएगी. सो राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जो आप चाहते हो, आप उसके ऊपर फेथ रखो और ख़ुद में कॉन्फिडेंस रखो और डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखते हुए सरेंडर करो. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू अराउंड दिस लास्ट क्वेश्चन. सो ये 3 रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.